विचार कीजिए आगे आने वाले दिनों में क्या इस टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या। सत्य महोदय, ये क्रिप्टो ये गैम्बलिंग है, जुआ है, ये एक प्रकार की लॉटरी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MLM प्रमोशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि क्रिप्टो के रिलेटेड, कि क्रिप्टो में जो टैक्स जो ऑलरेडी 30% लगा रखा है, और BJP का जो एक सांसद है उन्होंने कहा है कि 30% टैक्स से भी बढ़ा के उस क्रिप्टो को और भी ज़्यादा टैक्स किया जाए। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने संक्षिप्त में उन्होंने क्या कहा है। जो राज्यसभा में एक वित्त विधेयक की चर्चा चल रही थी उसके दौरान BJP के जो सांसद है सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो में जो लेन देन है वो एक जुआ, लॉटरी और हॉर्स रेसिंग का ही एक रूप है। ठीक है, तो मोदी जी ने पूछा कि क्रिप्टो को कौन नियंत्रित कर रहा है, और उन्होंने कहा कि क्रिप्टो पर जो 30% टैक्स लग रहा है वो तो लगना ही चाहिए। और उन्होंने कहा कि लोकसभा में एक क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 में पेश किया गया था, तो संसद के निचले सदन में उसको 58 के मुकाबले 120 मतों से उसको पास भी कर दिया गया है और उसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इस बिल के पास होने के बाद जो पुलिस को एक विशेष अधिकार मिल जाएगा जिसके तहत पुलिस आपराधिक मामलों में दोषियों के और अन्य व्यक्तियों की एक पहचान का रिकॉर्ड रख सकती है। तो ये एक तरह से अच्छा ही है बिल, कि पुलिस को एक विशेष अधिकार मिल जाएगा कि भाई कौन क्या क्या हो रहा है, और क्रिप्टो में जो धोखाधड़ियाँ हो रही हैं उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रख के उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी भी है, लेकिन क्रिप्टो में जो टैक्स को जो बढ़ाने की जो तैयारी चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा सोचनी है। तो उनके जो क्या बयान है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आगे उनके बयान देख ये देखिए इनके ट्विटर हैंडल पे आ चुके हैं, और अब आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है वित्त मंत्री ने। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एट 30% प्लस सेशन सरचार्ज, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। माइनिंग नॉट पार्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, 1% TDS फॉर ट्रैकिंग द ट्रांजैक्शन। और उसी प्रकार सती महोदय, क्रिप्टो NFT के बारे में भी माननीय निर्मला जी ने घोषणा की थी कि जो क्रिप्टो और NFT के बारे में जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसको भी रिस्क डिस्क्लेमर जो है उनको देना पड़ेगा। लेकिन सती महोदय, मैं निर्मला जी से आग्रह करना चाहूँगा, ये क्रिप्टो आखिर है क्या? इट इज नाइदर अ कमोडिटी, इट इज नाइदर एन एसेट, इट इज नॉट अ गुड, इट इज नॉट अ सर्विस। तो ये है क्या? इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसके पीछे कोई किसी कंपनी की ताकत नहीं है। और सती महोदय, मैं तो निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो 30% टैक्स लगाया है, आप विचार कीजिए आगे आने वाले दिनों में क्या इस टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या। सती महोदय, ये क्रिप्टो ये गैम्बलिंग है, जुआ है, ये एक प्रकार की लॉटरी है, एक प्रकार का हॉर्स रेसिंग है, एक प्रकार की गैम्बलिंग है। आप शेयर में लगाते पैसा तो मालूम है कि टाटा कंपनी उसके पीछे है, लेकिन क्रिप्टो के पीछे कौन है? सती महोदय, इसलिए जापान ने 55% टैक्स लगाया है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने अप टू 45%, US ने। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने क्रिप्टो के टैक्स को बढ़ाने की बात कही है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। इसी तरह की देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर अपडेट्स से आपको